अस्सलाम वालेकुम भाइयों, आज दिन की नई शुरुआत कराची शहर में, और हम लोग जा रहे हैं जहाँ हर कोई जाता है, कराची आए और वो वहाँ ना जाए, समझे उसने कराची घूमा ही नहीं है, कराची में टाइम स्पेंड किया ही नहीं। तो हम जा रहे हैं सीडियो और फैमिली ब्लॉग समझे या कुछ भी समझे कि मतलब जाना होगा, घूमना फिरना होगा और जितने भी सीन्स वगैरह होंगे ऐसी बात है आपको बताऊँगा वीडियो में, तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। आज हमारे भाई भी क्रिकेट में खुद तैयार है कि शायद ये वहीं रह जाएंगे और वापस नहीं आएंगे, क्या ख्याल है भाई? आपको यहाँ से आगा करते चले हैं, ये BF म्यूजियम से रास्ता निकलता है और ये तरह से हम लोग एनएचएस से निकले हैं सोसाइटी से, तो ये रास्ता जो है ना शॉर्ट भी पड़ता है और सीधा रोड अमरोड आ जाता है, समझे या नहीं समझे? एक और बंदा दिखाना रह गया था हमारा, ये भी हमारे साथ, क्यों भाई? तबीयत थोड़ी नासाज है लेकिन क्या करें, गुजारा करना पड़ेगा, अब हम साथ ही होंगे और आप देखते रहिए आगे क्या होता है। शुक्र है भाइयों ज्यादा ट्रैफिक नहीं है शाम को, वरना भाई बताओ क्या हालत होती है रोडों की, बहुत ही ज्यादा एक्सेस जिसको कहते हैं ना, रश होता है और बंदा ऐसा फंसता है कि बस बंदा कहता है कि आज रात कंबल चादर यहीं ले आता और यहीं सो जाता, तो ये सीन होता है और बहुत एहतियात से चलानी पड़ती है कराची में। कराची की एक वो मिसाल भी सुनी होगी आपने, यहाँ दी जाती है कि भाई आप देख सकते हो और बाकी सब बंदे हैं, ये सीन। कितना रिस्की होता है यार बंदा, ऐसा ही है इतनी देर में गाड़ी की इंजीनियरिंग वगैरह, तू फास्ट ट्रैक में और एकदम तेरा बाइक वो बंदा तो आया था, हमारे भी हुआ है पीछे वाले अलग झगड़े देंगे, हमारे भी होता है, मगर ये मैं बात बताऊं कासिम, एक पंचर हुआ है ना एकदम वो जीरो पे नहीं चले जाता, समझ गया, डेंजर है, थोड़ा सा टाइम लगता है हवा जाने में ना, इतनी देर में तुम्हारी गाड़ी की हो जाती है हवा, स्पीड स्लो फिर थोड़ा कंट्रोल करो, वरना बहुत कम चांस है कि दांत हो भी जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, बंदा गिर जाता है, बाइकिंग स्लिप हो जाती है और ये चांसेस है कि गाड़ी रुक जाती जैम हो जाती है, ऐसे समझ गया भाई। और नाज़रीन हमारे साथ भी कराची के शहर में मसरूफ है, चेक करें भाई। पहले से कम है, मतलब पहले जो हम फील करते हैं ज्यादा दोपहर हो और जितनी गर्मी की तपिश ज्यादा होती है नमी ज्यादा होती है, आज थोड़ी कम है, ऐसे ही फील हो रहा है बिल्कुल, कम लग रही है ऐसे ही, टेम्परेचर जरा अच्छा है तो मौसम अच्छा लग रहा है आज, तो सीन अच्छे हैं वरना सीन ऑफ ऑफ चलता है, वेदर के लिए इतनी मुश्किल मुशक्कत नहीं करेंगे, सामने दिख रहा भाई 33 है, अच्छा तकरीबन सेम है, टक्का भाई 34 चल रहा है वेदर, जहाँ से अभी हम बेसिकली आए ना टूर मारने जहाँ महसूस रहते हैं उधर टेम्परेचर 34 है और यहाँ 33 है, लेकिन बात ये है कि हवा शवा पूरी अच्छी चलती है ना, ये बंदे का थोड़ा मूड अच्छा हो जाता है, समझ रहे हैं आप, बात करनी चाहिए और यही है कि पीपल आर सो एग्जॉस्ट, व्हाट आई सी इन पीपल आईज दैट दे आर सो एग्जॉस्ट, ये किसी चीज की टेंशन स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेस यहाँ चारों तरफ फिर रहा है ऐसे दौड़ रहा है हर किसी के दिमाग में दिल में, सो एवरीवन इज सो डिप्रेस्ड, भला ये भी आप लोगों से बताऊँ आप आगाह करूँ कि ये चीजें भी होती हैं, इतना बड़ा शहर उतने बड़े स्ट्रेस उतने बड़े टेंशन उतने बड़ी सिलसिले, समझ गए भाई, भाई का फेवरेट सिंगर है भाई, चेक करो मुस्तफा जाहिद फॉर फ्रॉक्सन, अपने टाइम पे ये बंदा हमारे जहाँ कराची में रहते थे मलिर उधर भी ऐसे नाम से फेमस था, व्हाट अ स्मूथ सॉन्ग, ये यू कैन
see his craze on this song because he is listening from an era, from a very long time. हाइपर स्टार मॉल भाई, उसकी पार्किंग में लगा रहे हैं। पहले हमने बोला सीधी जाने से पहले इधर थोड़ा सा विजिट करें, जाएं घूमें फिरें या कोई शॉपिंग करें और फिर आगे निकलें, क्या कहते हो? एंट्री एग्जिट सेम से क्या होता है भाई? एंट्री और एग्जिट से ये होता है ना कि जैसे कोई मॉल बना हो या जो भी, देखो एक रास्ता एक्स्ट्रा रास्ता नहीं बनना ना, तो अगले बनाने वाले ने पैसे बचाए, उसने कस्टमर को नहीं देखा, उसने लोगों को नहीं देखा, आम की सहूलियत को नहीं देखा, और एक ही सेम बना के पैसे बचा लिए। अभी बात करो, आप दो घर बनाओगे कितना खर्चा आएगा? ज़ाहिर सी बात, कम ही आएगा लाजमी सुबह। चलो भाई निकलने का वक्त आ गया है, फाइनली वी आर हियर। हेलो, अंदर पहुंच गया मैं, अंदर एंटर हो गया, आप लोग भी दिख रहे हो, अंदर हो, अच्छा गाड़ी पार्क कर रहे हो, आ जाओ आ जाओ, पीछे सही चल रहा है भाई, आराम हो रहा है। महरमा प्लीज इन्फॉर्म पीपल्स हम किधर हैं। वी आर इन अ हाइपरस्टार। ओह माय गॉड, यू आर हियर फॉर शॉपिंग, गुड गर्ल। आर्टिस्टिक डिजाइन भाई, जबरदस्त, कुछ पसंद आ रहा है भाई? इसके लिए आयान के लिए लेगा। हाँ आयान में लाइक, अगर उसको पसंद आए तो। वैसे वो है भी खुद भी बड़ा चूजी, हमारे भतीजे की बात हो रही है भाई, जिनको आप पिछले व्लॉग्स में देख चुके हो। हमारे भतीजे को ट्रैक्टर्स बहुत पसंद है, तो भाई का एकदम दिल करा के ट्रैक्टर्स की ओर देखा जाए, तो बहुत अच्छा है। माहौल कुछ ऐसा है कि भाई थोड़ा शोर शराबा भी है और हर रश बरश लोग आ जा रहे हैं हर जगह। ये सी अपने भतीजे भतीजी के लिए कोई कपड़े अच्छे सेलेक्ट करें ताकि मजा आए जरा, क्या कहते हैं? फाइनली वी हैव बॉट दिस, थैंक्स टू गॉड। भाई तो जब आप फैमिली के साथ है ना, तो आपको दिल और दिमाग दोनों बड़े मिलने वाले, समझ रहे? क्योंकि जिस तरह की सिलेक्शन और चीजें होती है ना, तो आप एक जगह महसूस नहीं करते, आप हर जगह चलना पड़ता है। आप भी चूजी है। फैमिली के साथ शॉपिंग में आप क्या कहना चाहते हैं? ये बंदा बिल्कुल फारिग हो जाता है दिमाग से भी, और ये सीन है भाई, देख लो क्या हुआ बेटा, थक गई हो? कहाँ जाना है? चलते हैं छेवी, छेवी को बच्ची, विल गो जस्ट विद 5 मिनट्स। ये भाई आइसक्रीम उठा लिए और अब खाएंगे, और फ्लेवर बहुत ही उम्दा, नेचुरल फ्लेवर्स लगते हैं और मज़ा आ रहा है, क्या कहते हो? खानी है आपने, आ जाओ। सीट लगाना है बेहद ज़रूरी। कौन कहता है हमारे मुल्क में टूरिस्ट नहीं आते, चेक करो। ये सीन आपको कराची में हर जगह देखने को मिलेंगे कि बाइक का पेट्रोल खत्म हो और बाइक को लिटा दो तस्ती, ताकि के जो पेट्रोल नहीं भी है वो भी आ जाए आसमान से कहीं से। पुरानी यादें और ये हमारी बचपन की यादों में ये समोसे अपने ऊपर डाल के, चटनी और ये मसाला छिड़क के, क्या बात है, क्या बात है।
ये कहानी है यहाँ की। ये उठाया समोसा और ये तो गया मैं भाई, और सीन बिल्कुल पूछ पर है। इतवार की शाम जैसे कराची के नाम, चेक करें। ये भाई को हमने पकड़ा भाई, हमें लेके आए और ये हमें आगे चक्कर लगवाएंगे जबरदस्त सा। तो भाई ठीक ठाक है, आप आए तो इनकी गाड़ी में जरूर बैठे। खानों का सफर खत्म, साइड पे पहुंच गए, पानी के करीब पहुंच गए और लहरें आ रही हैं जोरों शोर से। क्या कह रहे तू भाई, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा यार। ये भाई ये देखो, ये क्या है? ये है सीपी। ये हम आके अक्सर बचपन में आते रहे, तो समुद्र की लहरों के साथ ये भी आता है, हम इसको सीपी कहते हैं, समझे? यहाँ पर आके चाट बनाने का हुनर भी देखें और अभी हम खाएंगे मस्त करके। चेक करिए, पापड़ी उस्ताद ज़्यादा रखनी है टिका के। चेक करिए भाई, चाट को सही मिक्स करना है फिर खाना। ये भी चेक करो सर, ये आ रही है भाई और लहर एक छोटी सी और ये रही। गया भाई, आधा गया मैं। चेक करो, ये सीन है भाई समंदर का, ये लहरें चलती रहेंगी और आप आगे जाते रहेंगे और डूबते रहेंगे। ये सीन है भाई, ये सीन है। यहाँ से देख रहे हो आप, हवा तेज और लहरों का शोर दोनों एक साथ। ये करके दिखाओ भाई, ये चेक करो, छोड़ेगा यार, वाह क्या बात है साथियों। ये भाई हम घुड़सवारी पे बैठ गए, चेक करो क्या कहने। सीट चेक कर रहे हैं भाई, घुड़सवारी का एक अलग ही मजा, एक अलग ही फैशन है जिसको कहते हैं ना फैशन। अभी हम समझे एंजॉय कर रहे हैं फुल मजे। तुम वही तो नहीं हो जो गोरे को बोलता है 5 नहीं 10 हजार? वो पठान भी बड़ा मशहूर है। सब खराब हुए वाकई, सब गरीब का रोजी खराब हुआ है वाकई यार। देखो भाई ये भी सीन होते हैं कि एक बंदे की वैसे ना सारे पिस जाते हैं, हर कोई बुरा नहीं होता। बिन भाई ने मुझे कहा कि यार आप जितने देते हो खुशी से दे देना, वैसे 200 रुपए चक्कर होता है, आप मुझे 100 रुपए दो, जो दो जिस तरह अच्छा लगता है वो दे दो, कोई मसला नहीं, ना देने ना दो, मतलब एक चलो इखलाक है जो भी है। मुझे पता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं करेगा, ना मैं चाहूंगा कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट घूमूं, लेकिन यार एक इखलाक होता है और एक तरीकेकार होता है। ट्राउजर वाले बंदे को हमने बहुत ढूंढने की कोशिश करी है भाइयों कि वो मिल जाए, लेकिन वो यहाँ नहीं मिला, आज वो आया नहीं है भाई, बता रहे हैं। मतलब 3000 वाले के पास भी हम जाते, जो कहता है नहीं 5000 उसके पास जाते और मजा आता। नाइस टू मीट यू भाई, बहुत शुक्रिया। ये बहुत अच्छे भाई हैं यार, जब भी आए तो इनके घोड़े पे लाजमी बैठे, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे नेचर वाइज और बहुत अच्छे इखलाक से मुझे घुमाया। थैंक यू सो मच भाई, वो 3000 वाला मिले तो उसको बोलना तू बच के रहे भाई। कैसा रहा सफर भाई आज का? बहुत ही आला। ना कर यार, सच बता, यही बात, यही चीज। फाइनली वी रीच्ड, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, आ गए भाई। जी मेहरबान, क्या फरमा रहे हैं आप? और ये हम शुक्र है, आपने तो नहाई धोई भी कर ली, पता नहीं आपको पानी इतना अच्छा लग रहा था वो। वाह जबरदस्त जबरदस्त, सुन लिया भाई आपने, यह शी सो कॉन्फिडेंट माशाल्लाह। ना भाई पहुंच गए। तो भाइयों जैसा कि मैं कहता हूँ कि आज की शाम कराची के नाम ये सीन था, घूमे तेरे अच्छा रहा। आपको पता है हर जर्नी में उतार चढ़ाव होता है, अच्छे एक्सपीरियंसेस भी होते हैं बुरे भी होते हैं, सो इट वाज अ गुड टाइम, वी हैव स्पेंड विद फैमिली और बहुत मजा आया। तो इंशाल्लाह देखते हैं आगे क्या होता है, तब तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफ़िज़।